वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज आप लोग की फरमाइश पर झटपट जबरदस्त से रसगुल्ले बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ ठंडा फ्रिज वाला दूध है फुल फैट, तो उसका हम चूल्हा ऑन करते हैं जो कि है 1 लीटर यानी 4 कप। तो बेसिकली जैसे दूध गर्म करते हैं इसी तरह इसको गर्म करेंगे, और फुल फैट लेना ज़रूरी है तभी रिजल्ट अच्छा आएगा। हमारे यहाँ काऊ का होता है तो काऊ का है, और अगर आपके यहाँ काऊ का होता है बफेलो का होता है तो आधा आधा भी लिया जा सकता है। और बस ये गर्म होता है तो मिलते हैं। देखिए हमारा यहाँ दूध जो है ऊपर आने वाला है, तो बस इसको ज़रा सा हिलाते हैं और चूल्हे को कर देते हैं बंद। और अब बस वेट करते हैं 30 सेकेंड, हिलाएंगे 30 सेकेंड बाद फाड़ेंगे ताकि एकदम शॉक ना लगे मेरे साथ क्या हुआ। दूध कहेगा कि भाई मैं तो समझा था मैं चाय के लिए उबल रहा था और ये लोगों ने मेरे साथ ये बिहेवियर किया। तो अब 30 सेकेंड बाद वो रियलाइज करेगा कि चम्मच क्यों चलाया जा रहा है, डेफिनेटली मेरे साथ कुछ और हो रहा है। तो वो फिर नाराज नहीं होगा और रिजल्ट अच्छा आएगा। अच्छा देखिए हमारे पास यहाँ 3 टेबलस्पून पानी है और उसमें हम 3 टेबलस्पून सिरका डाल रहे हैं प्लेन। अगर आप चाहें तो नींबू से भी फाड़ सकते हैं और सिरके से भी फाड़ सकते हैं, जैसा आपको दिल चाहे। तो ये हम डाल रहे हैं 1, 2 और ये 3। तो थोड़ा सा डाइल्यूट कर लिए सिरका और पानी, आधा आधा प्लेन सिरका है वाइट बिना कोई फ्लेवर के और बिना कोई कलर के। तो चले अब एक काम करते हैं, हम इसको 1-1 टेबलस्पून करके डालते हैं। ये जैसे ये डाला और ये थोड़ा सा हिला लेंगे, हल्का सा हिला देंगे। देखिए अब तो दूध को यकीन हो गया है ये चाय नहीं बन रही है, ये कुछ और ही हो रहा है। चलें तो 1 टेबलस्पून और डालते हैं। हल्के हाथों हिलाएंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से। ये देखिए फटना शुरू हो गया। चलो एक और डालते हैं। देखिए बीच में थोड़ा थोड़ा कॉटेज चीज आना शुरू हो गया। अक्सर लोग कहते हैं कि हम दूध फाड़ के ये बना रहे हैं तो क्या फटे हुए दूध से बना सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। इसकी वजह ये कि उसमें कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, बैक्टीरिया आ जाता है, एक्सपायर्ड कोई चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से वो ख़राब हो गया होता है और फटता है। ये हम अच्छे वाले दूध को इंटेंशनली फाड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सही है, वो जो है मैं प्रिफर नहीं करूँगी। चले ये लास्ट भी हम डाल देते हैं। ये देखें हमारा पनीर और ये पानी जो है वो सेपरेट हो रहा है। तब बस इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे और वेट करेंगे कि कम्प्लीटली सेपरेट हो जाए। अच्छा दूध दूध पे भी डिपेंड है, कभी जैसे आपने जो सोचा हो उससे ज़्यादा यूज़ में आता है सिरका या नींबू, जैसे अगर लगता है आपको नहीं फटा है 1 टेबलस्पून और डाल सकते हैं। और कभी ऐसा होता है कि 5 मिनट वेट करते हैं बिल्कुल ही सेपरेट हो जाता है, लेकिन ग्रीन वाला पानी सेपरेट होना येलो या ग्रीन जो भी है वो ज़रूरी है, अदरवाइज़ दूध का वेस्टेज ही होगा क्योंकि वो सेपरेट से ही नहीं हुआ ना तो दूध जाया जाएगा। देखिए ये कितने अच्छे तरीके से हो रहा है। अब ये बिल्कुल पानी अलग है और पनीर अलग है, तो बस इसको हम 1 मिनट देते हैं और फिर हम स्ट्रेन करेंगे। देखिए यहाँ एक बर्तन मैंने रखा है बड़ा, और उसके ऊपर एक छन्नी टाइप की चीज़ और ऊपर मलमल का कपड़ा। अगर आप चाहें तो ये सिंक में भी आप कर सकते हैं जाके, और यहाँ करना हो तो यहाँ भी कर सकते हैं।
तो चलें इसको हम स्ट्रेन करते हैं। इसको चारों कोने से पकड़ लेंगे और इसको थोड़ा सा निचोड़ लेंगे। बस आप इसको रख के उसको, अगर आप चाहें तो नल के नीचे जाके भी वॉश कर सकते हैं और इसको यहाँ भी कर सकते हैं। ठंडा ठंडा पानी डालेंगे ताकि पनीर ठंडा भी हो जाए और खट्टापन भी दूर हो जाए। थोड़ा सा खोल लेते हैं, अच्छे से धो लेते हैं। चल अब निचोड़ते हैं दोबारा। गोल गोल घुमा के अब फिर निकाल लेते हैं। चलिए एक दफा और वॉश कर लेते हैं। देखिए कितना खुश खुश है पनीर, ठंडे ठंडे पानी से नहा लिया इसने, अब ठंडा भी हो गया है कम्प्लीटली। अब अच्छे से इसको स्ट्रेन कर लेंगे, सारा पानी जो है निचोड़ लेंगे। तो ये देखिए अब इसमें से बिल्कुल भी पानी नहीं निकल रहा है। अगर आप चाहें तो कहीं लटका दें या छन्नी में रख दें थोड़ी देर, तो ये हमने मैक्सिमम पानी निकाल दिए। तो अब हम इसको एक बर्तन में डाल देते हैं। चार कप दूध में यानी एक लीटर में ये हमारा पनीर बना है, लेकिन जाहिर है रसगुल्ले तो काफ़ी बनेंगे। चले झटपट अब ग्लव्स पहनते हैं और पनीर को थोड़ा सॉफ्ट करते हैं यानी उसको मसाज देते हैं। तो ये देखें खोल के बिल्कुल फर्म है, तो बस अब इसको हमें मसलना है ताकि सॉफ्ट सा हो जाए, स्मूथ सा हो जाए। ये जो क्रम्बली पना है ना, इसको ख़त्म करके हमें इसको सॉफ्ट एंड स्मूथ बना देना है, यानी लीसा लीसा। तो अब आपको जिस तरह से मसलना हो, इस तरह से मसलना हो, इस तरह से मसलना हो, जैसे आपको अच्छा लगता हो, फील फ्री, यू आर योर ओन बॉस। बर्तन थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि आपका हाथ कंफर्टेबली आगे पीछे जा सके, और इसको करने में अराउंड 6 से 7 मिनट लग जाएंगे। पता है मैं छोटी थी जब से मुझे रसगुल्ले बड़े पसंद थे, फिर वक्त के साथ साथ चमचम आए तो मैं रसगुल्लों को बड़ा मिस करती थी कि ये क्यों इतना मीठा मीठा है, मुझे तो रसदार लाइट, मीठा हो के भी मीठा ज़्यादा ना होना, मुंह में जाते के साथ एक हेवन जैसा एहसास होना कि दूध दूध टाइप का पनीर और फिर उसके साथ ठंडा ठंडा मज़ेदार सा सिरप आ रहा है, ये नहीं कि चाशनी बहुत गाढ़ी गाढ़ी हो इस तरह। अगर आपने मेरी रसमलाई की रेसिपी नहीं देखी है, जिसका शुरू का पार्ट तो तकरीबन यही है ना कि रसगुल्ले बनते हैं फिर रसमलाई, तो मैं उसका लिंक देती हूँ यहाँ। ये इससे कंटिन्यू हो जाएगा तो रसमलाई बन जाएगी, लेकिन थोड़ा सा अलग है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, वो भी बड़े ज़बरदस्त सी है। इसकी साइन ये है कि जब ये हो जाता है ना तो टुगेदर होना शुरू हो जाता है, जैसे अभी ये कैसे फैल रहा है, लेकिन जब हम टुगेदर करेंगे तो ये इस तरह से टुगेदर हो जाएगा। और एक और भी तरीका है, जैसे ये मैंने टुगेदर किया तो टुगेदर हो गया, जैसे करती जा रही हूँ, देखिए मैग्नेट की तरह वो छोटा छोटा पीस भी ले लेता है। अब एक और तरीका है देखने का कि ये तो कर लिया, अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बॉल लेके बना के देखें, अगर क्रैक फ्री बॉल बनता है तब इसका मतलब हो गया, अदरवाइज 1-2 मिनट और कर लें। तो ये देखें ये जो दिख रहा है, तब हम थोड़ा सा और कर लेते हैं। देखें बड़ा अच्छा सा हो गया अब तो। चले अब क्या करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं थोड़ी देर के लिए और हम जब तक इसका सिरप बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमारे पास एक बड़ा सा पॉट है, थोड़ा सा भी छोटा नहीं लेंगे,
इसलिए कि ये फूलते बहुत है, डबल बहुत होते हैं। अगर हम क्राउडेड करेंगे या छोटा बर्तन लेंगे तो अच्छे भी नहीं बनेंगे और छोटे भी बन जाएंगे। तो देखिए अच्छा खासा गहरा और बड़ा पॉट लिया है मैंने, तो इसको चूल्हे को ऑन करते हैं। इसमें अब हम पानी डाल देंगे, 4 कप पानी। और 1 कप शक्कर, ये हमारी ग्रेन्यूलेटेड है, पाउडर वगैरह नहीं किया हुआ है। आपकी मोटी हो तो मोटी डाल दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप चाहें तो 1.5 कप शक्कर भी डाल सकते हैं, मुझे 1 कप बिल्कुल सही लगती है। चलिए इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं और इसमें डाल देते हैं हम 4 छोटी इलायचियाँ। अगर आप चाहें तो इसका मुँह खोल लें। बस शक्कर बैठ ना जाए इसलिए कभी कभी थोड़ा थोड़ा हिला लेंगे। तो अब हम आते हैं और अपनी मनपसंद साइज के बॉल बनाते हैं। बेसिकली इसको थोड़े छोटे ही बनाते हैं क्योंकि ये फूल के बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ये एक छोटा सा हम लेते हैं, दबा के अच्छे से बना लेंगे। तो बस अच्छे अच्छे से बॉल बना के रखते जाएंगे। अगर आप चाहें तो इससे बड़े बना सकते हैं और चाहें तो छोटे भी, बाइट साइज। वैसे ये तो मैं पूरा एक मुंह में डाल देती हूँ, बड़ा मजा आता है। चले शुगर हमारी घुल गई है, तो अब हम क्या करते हैं, और हमारे थोड़े बहुत ये देखिए बॉल्स भी बन गए। तो इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं कि चूल्हे को करते हैं बिल्कुल हाई और इसको कर देते हैं कवर। बेसिकली हमें बड़ा अच्छा सा एक बॉयल चाहिए। चले ये लास्ट भी हमारा हो गया और अब हम वेट कर रहे हैं बॉयल आने का। ये देखिए आसपास सिजल हो रहा है, जैसे बॉयल आएगा तब हम आपको बताते हैं करना क्या है। देखिए बड़े अच्छे से उबल रहा है, बड़े छोटे सारे बबल्स, खुश खुश है, पार्टी पार्टी, ये पनीर आने वाला, अंदर रसगुल्ले बनाएंगे हम मिलके। तो चले इसको खोलते हैं और अब इस गरम गरम बॉइलिंग वाले सिरप में हम ये अपने बॉल्स डाल देंगे पनीर के। उबलना ज़रूरी है, फुल फ्लेम होना ज़रूरी है। चले अब कवर कर देंगे और इसी तरह पकने देंगे 5 से 7 मिनट तक, लगातार उबलना ज़रूरी है। देखें हमारे ये गपूटे गपूटे कैसे हो गए, आपने देखा गोल गप्पे। तो इसलिए मैंने कहा था कि बड़ा पैन होना ज़रूरी है, जो फ्लैट भी ना हो, थोड़ा सा गहरा हो और बड़ा हो, ताकि उनको स्पेस मिले मोटा होने की। तो चले अब इसको हम खोलते हैं, तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसको थोड़ा सा मीडियम हाई रखते हैं। हाई से मीडियम हाई कर दिया, ढक्कन को जो है हमने खोल दिया। अब आप चाहें तो आपको खुशी मिलती हो तो आप इसको थोड़ा सा पलट भी सकते हैं हल्के हाथों से, बिल्कुल इस तरह से। तो अब बेसिकली ये मीडियम हाई पे है और अभी हम इसको मीडियम हाई पे 5 मिनट रहने देंगे। देखिए 7-8 मिनट और हो गई है खुले हुए में मीडियम पे, और वो हाई पे कवर में हमने 8 मिनट तक पकाया था। तो अब टाइम हो गया टेस्ट करने का कि हमारे रसगुल्ले पके हैं कि नहीं है। तो ये प्लेन वाटर है, पानी है, उसके अंदर हम 1 रसगुल्ला लेके और डाल देंगे। अब ये डूब गया तो पक गया है, नहीं डूबा तो कच्चा है। ये डूब गया है इसका मतलब बन गया है। और चूल्हे को बंद करते हैं और रसगुल्लों को इसी में ठंडा होने देते हैं। तो जब ठंडा होता है तब मिलते हैं। देखिए रूम टेम्परेचर हो गया है और अब हम डिश आउट करते हैं। फिर ठंडा ठंडा करके खाएंगे फ्रिज में रख के, आहा क्या लगेगा। चले अब इसको हम गार्निश करते हैं थोड़े से पिस्ते से।
तो देखा कैसे झटपट हमारे जबरदस्त से रसगुल्ले बन गए। तो चले मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसे रहे। ये देखे कैसे रस भरा हुआ इसमें, ये देखे, ये मैं टपकाऊंगी तो ये बंच ऑफ वाटर इसमें है, इसीलिए तो जूसी जूसी बड़े मजे के लगते हैं। देखे कैसा जाल बना हुआ। तो आपने देखा जाल बना हुआ है और अंदर भरा हुआ है जूस, और अभी इसको फ्रिज में रख देंगे ना, नेमत लगेगा नेमत। बस आप लोग कुछ चीजों को मद्देनजर रखिएगा। एक तो जैसे मैंने बताया दूध फाड़ने के लिए क्लियर वाटर आपको, वो जब तक सेपरेट ना हो जब तक स्ट्रेन नहीं करें। नंबर टू, बहुत अच्छे से आपको उसको वॉश करके और निचोड़ना है। अगर पानी ज़्यादा होगा तो जैसे लोग कहते हैं ना हमारे फट गए टूट गए चाशनी में जाके, उसकी रीज़न यही होती है कि अंदर पानी रह जाता है, तो वो आप लोग को बड़े अच्छे से निकाल देना है। नंबर थ्री और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि उसको आपको बहुत अच्छे से मसलना है। बहुत अच्छे से मसलने के लिए भी मैंने आपको बताया कि कैसे चिकना होना चाहिए। नहीं समझ में आता बॉल बना के देख लें, वो भी तरीका बताया। अब लास्ट एंड फाइनल, रसगुल्लों को बहुत हाई फ्लेम पे कवर करके पकाना ज़रूरी है। बर्तन छोटा है आपका, जैसे कि बड़ा लेके भी छोटा है, तो फुल कवर मत कीजिएगा वरना उबल जाएगा। और उसको बॉइलिंग पॉइंट पे ऊपर जब जाग हो, खूब बबल हो, जब भी वो बेहतरीन तरीके से पकेगा। फिर मीडियम करके 7-8 मिनट तक पकाएं, उसी में ठंडा करें। लाइफ मज़ेदार, रसगुल्ले की तरह जूसी जूसी, मज़ेदार, ठंडी ठंडी। तो चलें आप लोग जल्दी जल्दी जाएं बनाएं, खूब धमाल मचाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी खतरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।